हे नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत गैजेट ज्ञान सब सभी का वापस से स्वागत करते हैं नए फ्रेश वीडियो में। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कलर ओएस को लेकर के, और कलर ओएस पे जो भी सारे प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशंस कब आने वाला है और अपडेट कब तक फिक्स होगा, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली तो एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है, ना ही आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो कैसे चलेगा। कलर ओएस से जुड़ी मेजॉरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक लेकर के आई जाए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट भी किया जाए। लेकिन अगर आपका सब्सक्रिप्शन, आपका प्यार, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू डू इट। मेरी रिक्वेस्ट होगी तहे दिल से कि प्लीज वीडियो अगर पसंद आता है, इन्फॉर्मेशन अगर सही लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें जो भी प्रॉब्लम्स है, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ओप्पो रेनो 6 के अंदर आपको मिलता है कलर ओएस का जो लेटेस्ट वाला वर्जन, ऑफिशियल वर्जन, वो है C.26, और ओप्पो रेनो 6 प्रो के अंदर जो मिलता है वो है C.06। तो ये दोनों एंड्रॉयड 12 पे ही है। दोनों फोन के एंड्रॉयड 12 के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या बातें चल रही है और कब तक ये सारी चीजें फिक्स होगी। तो दोनों हैंडसेट के अंदर वर्जन्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही सिमिलर हैं, जैसे कि AOD नहीं काम कर रहा है कलर ओएस 12 में, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कैमरा, दोनों ही फोन का खराब हो चुका है, चाहे हम फ्रंट कैमरा की बात करें, चाहे रेयर कैमरा की बात करें। इनफैक्ट ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी फिलहाल के लिए यहां फ्रंट कैमरा से ओप्पो रेनो 6 प्रो के, तो मैं यहां पर आपको लाइव, जी हाँ, मैं लाइव आपको कैमरा का दिखा देता हूं कि क्या स्थिति है, कितना ज्यादा लैगिंग है। तो अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूं वहां सामने में लिप सिंकिंग प्रॉपर नहीं है, जब आप वीडियो को ब्लर करते हैं, कि मैं जो भी बोल रहा हूं वहां सामने में लिप सिंकिंग प्रॉपर नहीं है, जब आप वीडियो को ब्लर करते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही है कि मैं आपको लाइव दिखा सकूं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही है कि मैं आपको लाइव दिखा सकूं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैं DSLR से शूट करता हूं, लेकिन यहां पर ये लाइव दिखाने का मतलब ही यही था कि जो भी चीजें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं या बोल रहा हूं, ये कंप्लीट यहां पर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो कैमरा में फ्लेयर मोड सिर्फ एक नाम का फीचर हो गया है, यहां पे ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज कतई नहीं है, मतलब नेक्स्ट टू अलग ही लेवल का यहां पर सिंक्रोनाइजेशन गायब है। और तीसरी चीज कि यहां कलर ओएस 12 के अंदर दोनों ही हैंडसेट्स के अंदर AOD तो काम नहीं कर रहा, साथ ही साथ जो एज लाइटिंग होती है वो भी काम नहीं कर रही है। उसके बाद फिर यहां पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस इंस्टॉलेशन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो काम नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो छोटे मोटे बग्स बहुत सारे हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग जो वेरिएंट, जो यहाँ पर वर्जन्स आए हैं कलर 12 के, उसके हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम तो हो गए, लेकिन ये ठीक कब होगा? जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, उसके बाद फिर मेरे वीडियोस मेजॉरिटी ऑफ द गूगल पे अगर आप जाके सर्च करते हैं तो मेरे वीडियोस यहां सामने में आपको दिखता है गूगल पे। तो ब्रांड अप्रोच्ड मी इन रिगार्ड्स टू कलर ओएस 12 कि इसमें क्या क्या बग्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो मैंने थोरोली इसे चेक किया और ओप्पो रेनो 6 सीरीज के लिए मैंने जो भी कलर ओएस 12 के अंदर बग्स थे, आई ट्राइड माय बेस्ट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था, मैंने दोनों ही फोन को बहुत ही थोरोली इस्तेमाल किया था और बहुत ही इनडेप्थ जाकर के मैंने चेकआउट किया था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे दिखे, जितने भी प्रॉब्लम्स थे मैंने ओप्पो के इंजीनियर्स जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उनसे मेरी बात हुई और मैंने ऑलरेडी उनको सारे इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया है कि ये सारे चीज़ों को आप जल्द से जल्द ठीक करें। तो ये सारी चीज़ें, पहली बात तो उन्हें पता ही नहीं था कि भाई ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसे बग्स हैं इनके सॉफ्टवेयर में। कैमरा का क्वालिटी डाउन हो चुका है, फ्लेयर मोड में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, फ्रंट कैमरा की क्वालिटी खराब हो चुकी है, नाइट मोड बदतर हो चुका है, मैक्रो शॉट्स प्रॉपर आते नहीं है, AOD काम नहीं करता है। जब सारी चीजें मैंने उन्हें बताया, देन दे थॉट कि हाँ भाई सच में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। देन व्हाट दे डिड, मेरे से सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने बैक टू बैक लिए, ओप्पो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो थे उनके सारे इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक लिए, मैंने सारे इन्फॉर्मेशन उनको दिए। देने के बाद फिर दे प्रॉमिस्ड मी कि विद इन 2 to 3 weeks यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर में एक नया अपडेट पुश करके इसे ठीक कर दिया जाएगा। तो देखिए, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी सारी चीजें हो सके मैं आप लोगों तक लेकर के आऊँ। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई जेन्युइनली कंटेंट अगर बना रहा है,
बैक टू बैक अगर पर्टिकुलर एक चीज पे, तो डेफिनेटली एक उसके पीछे रीजन है। आप कलर ओएस 12 बग्स करके गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब को छोड़ दीजिए, मेरे वीडियोस ऊपर में आता है। तो बट ऑब्वियसली कि ब्रांड भी इस चीज को समझ रही है, ओप्पो भी समझ रहा है कि हाँ भाई ये बंदा अगर वीडियो बना रहा है तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद द डिवाइस, तो डेफिनेटली यहाँ सॉफ्टवेयर को उसे ठीक किया जाए। अब आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे और फिर बोलेंगे सर प्लीज हेल्प अस, ये सारे प्रॉब्लम्स है, इनको रेक्टिफाई करवाइए ब्रांड से बोल करके। ब्रांड तभी सुनती है जब आप सुनते हैं वीडियो को, जब आप वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो लाइक सबसे ज्यादा बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से तो अपना टास्क कर दिया है, जो भी कलर ओएस में प्रॉब्लम्स हैं, बग्स हैं, यहां तक कि इन फ्यूचर में भी जो भी सारी चीजें होंगी, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो भी यहां प्रॉब्लम्स आएगी किसी भी वेरिएंट में हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे साथ जुड़िए, ओके, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। किसी को अगर एक ही ब्रांड के साथ अगर बैक टू बैक प्रॉब्लम्स हो रही है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपकी बातों को, आपके प्रॉब्लम्स को, क्योंकि मेरे पास सारे हैंडसेट्स तो नहीं होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरे पास जो हैंडसेट्स होते हैं मैं उसके हिसाब से यहाँ पे काम करता हूँ। तो ओप्पो में ही अगर आपको कलर ओएस 12 से ही प्रॉब्लम है, अगर किसी में रिसेंटली यहाँ पर रोल आउट हुआ है प्रॉब्लम्स है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो कर लीजिए, वहां मुझे आप डीएम कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि ब्रांड तक आपकी बात पहुंचाई जाए। तो कलर ओएस 12 जो भी बग्स है, आई हैव डन द नीडफुल पक्का, और उम्मीद करते हैं कि ओप्पो यहां पर सुनेगी हमारी बात को और अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर से सारी चीजें इसमें फिक्स कराएगी। कुछ कुछ मैंने इनपुट्स भी दिए हैं अपने एंड से, जैसे कि एक फ्लैगशिप लेवल का कैमरा फोन है रेनो 6 प्रो, तो मैंने ये भी इनपुट दिया है कि एट द सेम टाइम फ्रंट और रियर कैमरा को स्विच करने का ऑप्शन उसके अंदर फीचर ऐड किया जाए, फ्रंट कैमरा के अंदर अल्ट्रा वाइड मोड दिया जाए और दोनों ही फोन्स में। तो मेरे तरफ से जो जो इनपुट्स थे मैंने दिया है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो क्लोनिंग वाला है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पे नहीं है, कुछ गिने चुने ही एप्लीकेशंस पे, तो मैंने ये भी इनपुट्स दिया है कि क्लोनिंग जो एप्लीकेशन का आपने दिया है फीचर, वो सिर्फ 3-4 एप्लीकेशंस के साथ ही नहीं, सारे एप्लीकेशंस कस्टमर जिसे चाहे, यूजर जिसे चाहे, उसे यहाँ पर सिंपली वो उसे यहाँ पर क्लोन कर सकता है, एक से ज्यादा एप्लीकेशन का क्लोनिंग करके वो कर सके। अभी क्या है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आई थिंक फेसबुक है, उसके बाद फिर आई थिंक एक और लिंक्डइन भी है, तो ऐसे कुछ ही गिने चुने एप्लीकेशंस हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैंने ये भी इनपुट दिया है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी यहाँ पर आप सपोर्ट दीजिए क्लोनिंग के अंदर। तो आई डिड माई एवरीथिंग जो भी मुझे करना था, तो देखते हैं कि अपडेट जल्द ही पुश हो जाएगा और आई होप कि इस बार जो अपडेट आए इसमें सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को ना मिले। AOD पता नहीं भाई, एक अलग ही लेवल का प्रॉब्लम है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। रियलमी के भी हैंडसेट में मैंने देखा था कि अपडेट देने के बाद उन लोगों ने गायब कर दिया था, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं उसका, मतलब फिर कोई अपडेट ही नहीं आया रियलमी में। और AOD लास्ट तक जब मैंने बेचा Realme X7 को, तब तक उसके अंदर AOD काम नहीं कर रहा था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ओप्पो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस खराब वाला ना दे अपने यूजर को। ओवरऑल देखते हैं, अपडेट्स आने के बाद ही सारा कुछ पता चलेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोज आप लोग के लिए लाते रहते हैं। तो ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।